बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को। विकास सपोर्ट किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी।